नमस्कार, एसएम लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश मिश्र, आप देख रहे हैं एसएम लाइव न्यूज। और इस समय उपस्थित है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लावे नजारा बाबा कुष्मेश्वरनाथ धाम। और इस समय हमारे सामने उपस्थित है जन परिवर्तन महासभा के अध्यक्ष श्री मनोज त्रिपाठी जी। तो आइए हम सर से पूछते हैं कि सर, इस समय सर्दियों में आप क्या करना चाहते हैं, क्या योजना है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतीश जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूँ कि ये जन परिवर्तन महासभा लोगों को जन परिवर्तन की दिशा में सामाजिक सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। तो हम लोगों ने जो हमारी एक संस्था है जन परिवर्तन महासभा, ये जयपुर समूचे जनपद में लोगों के परोपकार और लोगों को एक माने कि एक नई दिशा देने के लिए इंस्पायरेशन लोगों में बने, लोगों में जागरूकता आए, और इन्हीं उद्देश्य से इस जन परिवर्तन महासभा का हम लोगों ने गठन किया है। और ये जन परिवर्तन महासभा समूचे उत्तर प्रदेश में एक नए जोश और नए तेवर के साथ कार्य करने चल रही है। तो हम लोग इस समय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सतीश जी, धन्यवाद आपको। इस समय हम लोग सर्दियों का मौसम है, तो अभी हमने बीते दिनों एक बहुत बड़े पैमाने पर कैरम के घुसनाथ धाम में अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हम लोगों ने की। और उस बैठक में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम लोग जो है माने कि जो गरीब और असहाय तबके के जो लोग हैं उन लोगों के पास जाए और उनके दुख दर्द को माने कि अन्न के अभाव में, वस्त्र के अभाव में, या मान लीजिए दवा के अभाव में, जो भी उन लोगों का अभाव हो, उस अभाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो एक तो अभाव और दूसरे जो प्रभावशाली लोग हैं जिनके पास लोगों ने माने कि शक्ति दी है लोगों का दुख दर्द सहन करने के साथ साथ सेवा करने का, तो हम लोग जो है उनका सहयोग लेंगे और जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों के पास उन सब सेवाओं को पहुंचाएंगे। हम लोगों की अपनी एक टीम है, हम लोग घर घर जो है इन दिनों जा रहे हैं और घर घर जाके जो उन लोगों की उपयोगिता के अन्य जो वस्त्र हैं, गर्म कपड़े हैं, उन लोगों को संबोधित करते हुए उनको अपनी जो है व्यवस्था बताते हुए वो एकत्र कर रहे हैं। और वो एकत्र करने के बाद हमारी अपनी एक टीम है, उस टीम के माध्यम से हम लोग जो अभावग्रसित लोग हैं उनके पास हम लोग पहुँचाए। सर, जैसे इस समय हम जानना चाहते हैं कि परिवर्तन महासभा में और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, क्या इस सभा में जुड़ सकते हैं महासभा? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। यह जन परिवर्तन महासभा सामाजिक उत्थान, बेरोजगारी, मेधावियों का सम्मान और गरीब असहायों की मदद, इन्हीं के उद्देश्य से बनाया गया है। इस उद्देश्य के तहत जिन भी भाइयों की अपनी जो है इस संस्था में जुड़ने की मनोदशा हो और जो भी युवा और जो भी माने कि इस से विचार अपना उनका मेल खाता हो, जो सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का इस जन परिवर्तन महासभा में स्वागत है। क्या सर, जन परिवर्तन महासभा ये उत्तर प्रदेश में ही चलेगा या पूरे हमारे भारत देश में भी चलेगा? देखिए, अभी तो हम लोग समूचे जनपद में, जनपद प्रतापगढ़ में इस जन परिवर्तन महासभा को एक अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है और इस जनपद प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से घर घर लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद समूचे जनपद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जिले में अपनी इस कार्यकारिणी का गठन करके घर घर सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। और घर घर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के बाद समूचे प्रतापगढ़ के लोग जो है और अन्य जनपदों में जाएंगे। यूपी लेवल पे भी हम लोगों ने इसको जो है बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे जो भी अभी उद्देश्य है कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ही क्रियान्वित करेंगे, उसके बाद जैसा भी संगठन का अपना जो दशा होगा उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।